नमस्कार, आइए आज बनाते हैं लहसुन प्याज के बिना घिया और उड़द की दाल के कोफ्ते। इसे बनाने के लिए दाल को 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें। इसके बाद इसे पानी से निकाल कर मिक्सी में डालें और इसमें मसाले डालकर इसका पेस्ट बना लें। अब इसके पेस्ट को बाउल में डालकर उसमें हींग, हल्दी पाउडर, नमक, बेकिंग पाउडर, ये सारी सामग्री मिलाने के बाद इसमें गरम मसाला डालकर 10 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इसके बाद इसमें कद्दूकस की हुई घिया को मिलाइए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके इसके कोफ्ते बनाने शुरू कीजिए। इस तरह से इन्हें उल्टा सीधा करके अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। अब इन कोफ्तों को एक बर्तन में निकालिए। अब इसमें तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म कीजिए। तेल गर्म होने पर इसमें जीरा, धनिया पाउडर, मिर्च और मेथी का तड़का लगाइए। इन्हें भूनने के बाद इसमें इन पकौड़ों को डाल दीजिए। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इसके बाद इसमें पानी मिलाकर इन्हें लगातार चलाते रहिए। अब इसमें हल्दी पाउडर, नमक मिलाकर थोड़ी देर पकने दीजिए। इसके बाद इसमें दही या लस्सी मिलाइए और मिक्स कीजिए। इस तरह से इसे 5 से 10 मिनट तक पकाइए। अब इसमें गरम मसाला और देगी मिर्च मिलाइए। तो देखिए, अब हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें खाने के लिए परोसिए और इन्हें चावल और चपाती के साथ खाइए। और मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।